गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 14 अप्रैल का करंट अफेयर। आइए अपना क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए मेरा क्या लिखा हुआ है। रिसेंटली विच रीजनल रेलवे जोन हैज अकम्प्लिश्ड 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स एंटायर रूट। हाल ही में किस क्षेत्रीय रेलवे क्षेत्र ने अपने पूरे मार्ग का 100% रेल विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो इसका आंसर है कोंकण रेलवे। क्या है इसका आंसर? कोंकण रेलवे है। ओके, क्या इसका आंसर? कोंकण रेलवे है। अब अगर रेलवे की बात उठी है तो यहाँ पे कुछ सवाल भी देख के लेते हैं हम लोग। बताइए रेलवे में जोन कितने आते हैं, रेलवे में टोटल जोन कितने? ओके, देन रेलवे के चेयरमैन कौन है? अभी रेलवे के चेयरमैन कौन है? देन उसके बाद में ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट, जो आपका ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट है, ये कब तक चालू होने वाला है? ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट ये कब तक होगा, इसका आंसर दीजिए। देन ऑपरेशन आहत किस लिए किया गया था? ये भी रेलवे के द्वारा ही चालू किया गया था, ऑपरेशन आहत। बताइए ये किस लिए शुरू किया गया था? देन ऑपरेशन अमानत। ओके, ऑपरेशन अमानत ये किस लिए शुरू किया गया था? एंड कोंकण रेलवे, एंड कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी बताइए आप। चलिए अब सबका उत्तर हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। रेलवे के अंदर 18 जोन आते हैं। रेलवे के चेयरमैन कौन है? अभी विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी हैं। ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट जो आपका है वो 2030 तक होगा। ऑपरेशन आहत किस लिए, ऑपरेशन आहत किस लिए स्टार्ट किया गया था? जो बच्चे और महिलाओं की ट्रैफिकिंग होती थी, मतलब उनकी जो तस्करी की जाती थी, उसको रोकने के लिए। ओके, बच्चे व महिलाओं की मानव तस्करी। ओके चलो, और ऑपरेशन अमानत क्या था? जो जिनका सामान खो जाया करता था उनके लिए इसको शुरू किया गया था, ताकि उनके सामान उन तक पहुंचाए जा सके, उनके खोए हुए सामानों के लिए। और कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नवी मुंबई में है, वो नवी मुंबई में। ओके समझिए, एक क्वेश्चन के साथ में आपके 6 क्वेश्चन और तैयार हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हु हैज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI फॉर 4 इयर्स फ्रॉम 2022 टू 2026। 2022 से 2026 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हिमांता बिस्वा शर्मा। कौन है ये? हिमांता बिस्वा शर्मा। ओके चलिए, अब मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर ये है कि बताइए रंजन गोगोई कौन है, किरेन रिजिजू कौन है और तरुण गोगोई कौन है? आप इनका आंसर दीजिए तीनों का कमेंट सेक्शन। ओके चलिए, अब हम लोग लाइन बाय लाइन इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके चलिए, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI। ओके बताइए ये कहाँ पर है? मेरा, ये मेरा है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? ये मेरा दिल्ली के अंदर है। ओके अब इससे रिलेटेड एक और लिखे यहाँ पर, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बताइए ये कहाँ पर है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। ओके चलिए, मतलब इसके प्रेसिडेंट। एंड ये बताइए, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? मतलब ये कहाँ पर है आपका? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। ओके चलिए, और इसके
प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर। कौन है? संजय कपूर। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीन देखो, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास हैज रिसेंटली डेडिकेटेड एन इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्निका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बीते हुए दिनों में दिया है, जिसका आंसर है मैसूर। क्या इसका आंसर? मैसूर है। ओके यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका मैं आपको पूछता हूँ कि बताइए आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पर है? आरबीआई का रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पर है बताइए? इनोवेशन हब यहाँ पर कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर ये? हैदराबाद। ओके देन आरबीआई म्यूजियम कहाँ पर है बताइए? आरबीआई का म्यूजियम कहाँ पर है? ये आपका है कोलकाता में। कहाँ पर है ये? कोलकाता में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका है मुंबई में। कहाँ पर है ये? मुंबई में। ओके जो शक्तिकांत दास है वो आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर है? शक्तिकांत दास है वो आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर है? 25th नंबर के गवर्नर है वो। ओके गवर्नर शक्तिकांत दास 2018 से 2024 तक। शक्तिकांत दास 2018 से 2024 तक, समझ गए? अब ये बताइए कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ओके इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1935। और आरबीआई मेरा नेशनलाइज कब हुआ था? आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? ये 1949 को। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? रिसेंटली विच स्टेट एंड यूटीज हैज लॉन्च द माय गवर्नर द रोबस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने माय गवर्नर मजबूत नागरिक जुड़ाव मंच लॉन्च किया है? बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा जम्मू कश्मीर ने। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। ओके चलिए अब यहाँ पे एक कॉमन सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिले कितने हैं टोटल? बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर जिले कितने हैं? टोटल जिले कितने? 20 जिले हैं। ओके इग्लू कैफे कहां पर है आपका? इग्लू कैफे फेमस कैफे, इग्लू कैफे कहां पे? ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही आता है। ओके अब अगर यहां पे मैं आपसे एक फेस्टिवल का नाम पूछूं तो यहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है एप्पल फेस्टिवल। क्या आपका जो एप्पल फेस्टिवल है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही मनाया जाता है? ओके और यहां पर कम से कम ऐसे 3 फेस्टिवल के नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं जो जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। ओके चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, सॉरी 5 के ऊपर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म मीडिया यूनिट हैज बीन मर्ज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC? निम्नलिखित में से किस फिल्म मीडिया इकाई को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के साथ मिला दिया है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, द चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन सबको NFDC के अंदर एक साथ मिला दिया गया है, ऑल ऑफ दी एबो। चलेगा चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवेल्ड अ न्यू इनिशिएटिव विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक नई पहल का अनावरण किया है? बताइए कि कौन है वो? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड? कौन है वो? इंडियन एयरफोर्स है। ओके अब आपसे मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इंडियन एयरफोर्स मीन्स वायुसेना अध्यक्ष कौन है? बताइए वायुसेना अध्यक्ष का नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। थल सेना अध्यक्ष का नाम बताइए आप लोग, थल सेना अध्यक्ष का नाम बताइए।
एंड नेवी चीफ का भी नाम आपको बताना है, नेवी चीफ का नाम. ओके चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी फॉर 2022 to 2027. निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2022 से 2027 तक के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनर्जी को दोबारा यूज करना, मतलब जिन चीजों को दोबारा यूज किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके. ओके तो ये पॉलिसी को मंजूरी किस राज्य ने दी है बताइए? कर्नाटका ने. किसने दी है? कर्नाटका ने दी है. ओके चलिए अब यहाँ से सवाल देखिए क्या क्या बन सकता है हम लोगों का. रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है बताइए? रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, उनका नाम बताइए आप लोग. देन कर्नाटका के सीएम कौन है, कर्नाटका के सीएम कौन है? देन कर्नाटका के गवर्नर कौन है? ओके और इस एनर्जी का टारगेट क्या है? ओके टारगेट कब तक सेट किया है कि कितने की कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है? रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट देखिए यहाँ के मिनिस्टर का नाम क्या है, आरके सिंह. क्या नाम है इनका? आरके सिंह. यहाँ के सीएम कौन है? बसवरा बुमानी. क्या नाम है इनका? बसवरा बुमानी. यहाँ के गवर्नर कौन है? थावर गहलोत. क्या इनका नाम? थावर गहलोत. रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट कब तक रखा गया है? 2027 जहां पर 10 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है. ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. देखो हु हैज वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021. Who has won the third edition of the BBC Indian Sports Woman of the Year 2021? BBC Indian Sports Woman of the Year Award 2021 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? मीराबाई चानू ने. किसने जीता है? मीराबाई चानू ने. ओके चलिए अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि BBC इंडिया एमर्जिंग प्लेयर कौन है? बीबीसी इंडिया एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है? बीबीसी इंडिया एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है? एमर्जिंग प्लेयर किसने जीता है बताइए? शेफाली वर्मा ने. किसने जीता है? शेफाली वर्मा ने. समझ गए. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखिए. The 20th edition of the bilateral naval exercise Varuna is being conducted in the Arabian Sea between which countries? Varuna जो 20th edition का bilateral naval exercise है ये किन दो देशों के बीच में होने जा रहा है? किसके बीच में होने जा रहा है बताइए? इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच. ओके चलिए अब देखते हैं कितने और एक्साइज हमारे हैं जो होने जा रहे हैं. पहले का नाम क्या है? वरुण. ये किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में है. ओके गरुड़ किन दो देशों के बीच में है? सेम इंडिया और फ्रांस के बीच में है. शक्ति किन दो देशों के बीच में है? इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्साइज हुआ है. ओके खंजर इसका मैंने आपके ऊपर सवाल भी पूछा था कि इंडिया जो है खंजर एक्सरसाइज किसके साथ में करने वाला है तो इसका आंसर क्या है? किर्गिस्तान. ओके किर्गिस्तान. ओके दशलिक किसके साथ में करने वाला है? ये दुस्लिक उज्बेकिस्तान. ओके अजय वॉरियर नाम का एक्सरसाइज ये किसके साथ में करने वाला है? यूनाइटेड किंगडम के साथ में. किसके साथ में?
यूनाइटेड किंगडम। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइए, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो इसका आंसर है विश्वास पटेल, इसको विश्वास पटेल को। ओके चलिए अब यहाँ पे अगर आपसे मैं सबके सीईओ के नाम पूछूं तो आप क्या आप लोग मुझे उन सबके नाम बता सकते हैं? बताइए संसद टीवी के सीईओ कौन है, संसद टीवी के सीईओ कौन है? फिर उसके बाद में FICCI के चेयरमैन कौन है, FICCI के चेयरमैन कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बताइए यहाँ के चेयरपर्सन कौन है? देन ट्विटर के सीईओ कौन है, ट्विटर के सीईओ कौन है? अमेजोन के सीईओ कौन है? अगर किसी ने इसका आंसर जेफ बेजोस दिया ना, वो अपने जगह पे मुर्गा बन जाना, समझ गए? बताइए CACP के चेयरमैन कौन है, CACP के चेयरमैन। देन आपका NHAI के चेयरमैन कौन है, NHAI के चेयरमैन। इतने का उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए अब लाइन बाय लाइन में आपको सबके आंसर देता हूँ। देखिए संसद टीवी के सीईओ कौन है, रवि कपूर। कौन है, रवि कपूर। ओके FICCI के चेयरमैन कौन है, संजीव मेहता। कौन है, संजीव मेहता। ओके संजीव मेहता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, अविक सरकार। कौन है, अविक सरकार। ट्विटर के सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल। ओके पराग अग्रवाल, ये तो न्यूज में भी थे, पराग अग्रवाल। अमेजोन के सीईओ कौन है, NDJC। कौन है, NDJC। CACP के चेयरमैन कौन है, विजय पॉल शर्मा। देन NHAI के चेयरमैन कौन है, अलका उपाध्याय। कौन है, अलका उपाध्याय। ओके चलिए समझ गए आप लोगों को, बढ़ते हैं आगे। चलो रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन 9 months बैंक्स हैव रिपोर्टेड टोटल फ्रॉड्स ऑफ हाउ मेनी करोड़। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 9 महीनों में बैंकों ने कुल कितने करोड़ की धोखाधड़ी की सूचना दी है? बहुत धोखा देने वाले लोग बढ़ गए भाई। कितने की दी है, 34,097 करोड़। कितने, 34,097 करोड़ फ्रॉड्स की जानकारी दी है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। रिसेंटली विच स्टेट्स हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू रिजॉल्व अ बॉर्डर इशू इन सिक्स डिस्प्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स। हाल ही में किन राज्यों ने 6 विवादित जिलों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइए किन राज्यों ने किया है, असम और मेघालय ने। किसने किया है, असम और मेघालय ने किया है। चलिए अब थोड़ा असम और मेघालय के बारे में देख भी लेते हैं हम लोग, ऐसी बात उठिए तो असम। ओके असम, असम के सीएम कौन है, नाम बताइए। यहाँ के गवर्नर कौन है और यहाँ के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितनी है? ओके चलिए सेम केस मेघालय में। मेघालय के सीएम कौन है? ओके मेघालय के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितनी है? चलिए और अगर एक और आपसे पूछ लूँ, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मिजोरम है मणिपुर का, इसका भी बता दीजिए आप लोग। ओके मणिपुर का बताइए, मणिपुर का सीएम कौन है? ओके मणिपुर का गवर्नर कौन है एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितनी है? डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, चलिए इतना ही बता दीजिए, नहीं तो कहाँ ज्यादा आप लोग डेटा याद रख पाएंगे। ओके चलिए देखिए आसाम के सीएम कौन है, आसाम के सीएम कौन है बताइए, हिमांता बिस्वा। क्या है नाम इनका, हिमांता बिस्वा। ओके यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखे। कौन है, जगदीश
मुखे, नहीं तो जगदीश एम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगदीश मुखे। ओके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने टोटल 34 है। मेघालय को देखिए, यहाँ के सीएम का नाम क्या है, कॉनग्राट सांगमा। ओके कॉनग्राट सांगमा। देन यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, सत्यपाल मलिक। क्या नाम है इनका, सत्यपाल मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, न्यूज में रहते ही है सत्यपाल मलिक। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने टोटल 12 है। मणिपुर के सीएम सीएम का नाम क्या है, एन बीरेन सिंह। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एन बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, ला गणेशन। ये भी मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लासेस में, ला गणेशन। समझ गए, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भीम बहादुर गुरुंग पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का निधन हो गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री थे ये, मेघालय के थे। कहाँ के थे, मेघालय के थे। समझ गए। ओके और रिसेंटली जितने लोग डेथ हुआ है जिनका, उन सबका नाम मैं वापस लिखवा दूं कि आप सबने लिखा ही है। बस मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ओके बताइए, प्रवीण सोपती कौन थे। प्रवीण सोपती, प्रवीण सोपती कौन थे। देन बताइए ललिता, ललिता कौन थी। ओके प्रवीण सोपती कौन थे, आपके एक्टर एंड प्लेयर दोनों थे, एक्टर एंड प्लेयर। एंड आपकी ललिता कौन थी, ये मलयालम एक्टर थी। कौन थी, ये मलयालम एक्टर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके एक और नाम आप यहाँ पे बताइए, रुपिया बांदा कौन थे। रुपिया बांदा कौन थे, ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया। ओके चलिए एक और नाम यहाँ पे लिख रही है, एम जी रेड्डी। जितने नाम मेरे दिमाग में अभी रिसेंट में आ रहे हैं, मैं सबके सब लिख पा रहा हूँ आपको। एम जी रेड्डी मेरे, एम जी रेड्डी कौन थे, आंध्रा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। कौन थे ये, आंध्रा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, आंध्रा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस विनय सामरस्य योजना एज अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट कास्ट प्रिजुडिस इन द स्टेट्स ग्रामीण पंचायत। किस राज्य सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय सामरस्य योजना की घोषणा की है। किसने, कर्नाटक ने। किसने की है, कर्नाटक ने की है। समझ गए आप लोग, इसका इस योजना का नाम आप लोग याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। समझ गए, जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ कर्नाटक राज्य ने कौन सी योजना चालू की है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। ओके चलिए अब यहाँ पे मैं दो तीन योजना का नाम आपको लिखवा देता हूँ। बताइए अम्मा योजना, अम्मा योजना किस राज्य ने चालू की है, सिक्किम। कहाँ पर चालू हुई है, ये सिक्किम में। ओके देन बहिनी योजना, बहिनी योजना ये कहाँ पर चालू हुआ है, मेरा सेम एज इट इज सिक्किम में। देन देन बताइए, यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूँ कि एक और योजना है, टी श्रमिक योजना। क्या नाम है उसका, टी श्रमिक योजना। बताइए ये किस राज्य में चालू हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ये किस राज्य में चालू हुआ है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन स्कीम दैट अलाउज प्रिजनर्स टू गेट पर्सनल लोन्स ऑफ अप टू 50,000 फ्रॉम बैंक्स, विच विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ देयर फैमिली एंड मीट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू देयर लीगल मैटर्स। किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जो कैदियों को बैंकों से 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की अनुमति देता है, जो उनके परिवारों के जीवन स्थितियों में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। कौन दे रहे हैं, महाराष्ट्र। ओके महाराष्ट्र ने ये योजना शुरू की है, महाराष्ट्र राज्य ने। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा। ओके तो
तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टिल देन लव यू ऑल।